बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चिकन मलाई हांडी। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए आपको बताते हैं। हमने यहाँ 1 किलो चिकन ली हुई है, पीसीस बना लिए हैं, 4 मीडियम साइज की प्याज बारीक कटे हुए, 4 टमाटर बारीक कटे हुए, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, 1 कटोरी दही, 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 4 टेबल स्पून घी, 1 टेबल स्पून मस्का और 1 टेबल स्पून तेल, 1 कटोरी कोथमीर बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून नमक, आधी कटोरी हमने ली है चिकन हांडी मसाला। इसे हमने मिक्स करके तैयार किया है। इसमें हमने डाला है आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला की पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर। ये सारे पाउडर मिक्स करके हमने मसाले बना लिए हैं। आइए बता दें आपको इसको बनाना किस तरह है। यहाँ पैन गरम कर लिया है हमने, अब हम इसमें डालेंगे बटर और ऑयल। इसे मेल्ट होने दें। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहा है तब तक हम आपको चिकन की मैरिनेशन बताते हैं। हम इसमें डालेंगे ये सारे मसाले, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और दही। हरी मिर्चों का पेस्ट और थोड़ा नमक। इसे मिक्स कर लेंगे। हमें इसे ढककर 10 से 20 मिनट 15 मिनट तक मैरिनेट होने देना है। हम इसे साइड में रख देंगे। प्याज यहाँ पर हमारा गुलाबी हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर। इसे मिक्स कर लेंगे। टमाटर को नरम होने तक हम चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाएं। चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है, 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे चिकन।
चिकन डालें और अच्छे से मिक्स करें। अब इसे ढककर 15 मिनट के लिए कुक करें। आंच हमने धीमी करनी है। अब हम इसे 15 मिनट देंगे कुक होने के लिए। 15 मिनट हमारे हो चुके हैं। आइए देखते हैं हमारा चिकन तैयार है या नहीं। देखिए हमारा चिकन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये फ्रेश क्रीम। कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया के पत्ते जो हमने काट के रखे थे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तेज आंच पर दो उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। हमारा चिकन मलाई हांडी तैयार है। आइए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। कुछ हरी मिर्चें काट रखी थी, हम गार्निश करेंगे। अदरक की जुलियन, कोथमीर, इनके कोरिएंडर लीव्स, फ्रेश क्रीम हमने थोड़ी सी यहाँ बचा के रखी थी गार्निशिंग के लिए, इसे हम गार्निश करेंगे। लीजिए हमारा सालन तैयार है, चिकन मलाई हांडी। आप इसे चावल, नान या रोटी किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत लजीज बनता है। दुआ में याद रखें। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर और लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।